हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज जो पंखे का कंडेंसर होता है वो मैं आपको चेंज करना दिखाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर जो ये कंडेंसर होता है ये ख़राब हो गया है। कंडेंसर ये देखिए, ये कंडेंसर जो है ख़राब हो गया है फ़ैन का। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम कंडेंसर को रिप्लेस कर सकते हैं स्लो फैन में, जिससे कि फ़ैन एकदम फास्ट स्पीड में चलेगा। ये कंडेंसर चेंज करने के लिए जो पंखा जो होता है आपका, उसका ये वाला पेच होता है, आपको ये खोलना है पहले। ये आपने खोल लिया, ये देखिए, ये खोल का आपको उसको लूज करके ऊपर कर देना है। ये देखिए, ये जो आपका कंडेंसर लगा हुआ पंखे में, देखिए ये आपका पुराना कंडेंसर है और इसी जगह आपको अपना नया कंडेंसर लगाना है। ये देखिए, ये आपको पुराना कंडेंसर है, इसको आपको रिप्लेस करके आपको अपना नया कंडेंसर लगाना है। पहले सबसे पहले हम जो पुराना कंडेंसर है उसको मैं रिमूव करूंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि नया कंडेंसर में कैसे फिट होगा। ठीक है, ये देखेंगे ये कंडेंसर है, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो इसका ये वाला है, ये जो है इसमें से ये दोनों वायर को आपको खोलना है। ये देखिए, ये जो है इन दोनों को आपको लूज करना है। ये मैं इसको टेस्टर डाल के इसको लूज कर रहा हूं। इन दोनों को लूज करने के बाद आपको कंडेंसर को दोबारा से इसी पॉइंट के अंदर डाल के आपको लगाना है। ठीक है, मैं पहले इसको लूज कर रहा हूं, फिर इसको लगाऊंगा। यह देखेंगे कंडेंसर की जो वायर है वाइट वाली, ये एक ऊपर एक नीचे लगी है, एक ये ब्लू वाले के साथ लगी है, एक ही देखिए एक ही ब्लू वाले के साथ लगी है और एक ही रेड वाले के साथ लगी है। अब मैं क्या करूँगा, स्क्रू ड्राइवर से इसको ओपन कर रहा हूँ। देखिए, ओपन कर लिया, इसको ओपन किया, उसके जो नीचे वाला है जिसमें दूसरे कंडेंसर की वायर लगी है इसको मैंने खोल दिया। एक ऊपर वाला खोलना है और इसके नीचे वाला जिसमें पहले वाले कंडेंसर की वायर लगी होंगी। ये देखिए, ये जो है इसमें रेड वायर और जो ब्लू वायर है इसमें मैंने इसको खोल दिया। ये देखिए, अब मैं जो ये पहला वाला कंडेंसर है मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ये देखिए, मैंने पहला वाला कंडेंसर जो था, जो खराब कंडेंसर था, वो मैंने इसमें से निकाल लिया। अब मैं इसी जगह नया कंडेंसर लगाऊंगा। ये देखिए, मैंने इसको नया कंडेंसर लगाया, ऐसे यहाँ डाला इसके अंदर, ये लग गया। अब मैं ब्लू वायर के साथ ब्लू वायर ज्वाइन करूँगा और रेड के साथ रेड। ये देखिए, ये मैंने इसको उसके साथ ज्वाइन किया। ये देखिए, एक मिनट रुकिए, मैं वाइट को वाइट के साथ लगाऊंगा और इसको इसके साथ लगाऊंगा। ये देखिए, मैंने कंडेंसर की एक पहली वायर को इस ब्लू वायर के साथ लगाया और दूसरी वायर को इस रेड वायर के साथ लगाया। अब मैं क्या करूँगा, इस कंडेंसर की जो वायर है वो दोबारा से जो इसके जो जहाँ से निकाली वहीं पे ही मैं डाल दूँगा। मैं डाल के इसको मैं टाइट कर रहा हूँ। इसको ऐसे टाइट कर दिया मैंने और इसके बाद इस रेड वायर को इसके नीचे वाले ये फर्स्ट इसमें सेकंड इसमें कंडेंसर की वायर को ज्वाइन करके इसमें लगाना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे मैंने रेड वायर के साथ कंडेंसर की पहली वायर लगाई और कंडेंसर की दूसरी वायर मैंने इसको लगाई। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कंडेंसर की कोई भी वायर को किसी के साथ भी लगा दीजिए। फर्स्ट वाले में डालनी है आपको फर्स्ट वायर कंडेंसर की और सेकंड वायर में आपको दूसरी वायर डालनी है। इसके बाद आपका कंडेंसर आपको यहाँ फिट कर देना है इस तरह, जहाँ पहला कंडेंसर। इसके बाद आपको ये ढक्कन लगा के इसका जो ये है स्क्रू आपको टाइट कर देना है। फिर देख लीजिए आप एक बार, दूर से भी देख लीजिए। ये देखिए, इसमें कंडेंसर लगा दिया है, इसमें फर्स्ट वायर ऊपर और सेकंड वायर इसके नीचे लगानी है। अब मैं इसको टाइट कर रहा हूँ।
मैंने टाइट कर दिया इसको। आप ये देखेंगे ये पंखा एकदम फास्ट चल रहा है, होता है वो आपको इसमें बेसिकली क्या था कि कंडेंसर चल रहा है खराब था। ये देखिए ये पंखा जो है एकदम फास्ट चल रहा है, इसमें बेसिकली क्या था हमारा जो कंडेंसर होता है ये खराब था। ये देखिए इसका जो ये कंडेंसर खराब था, कंडेंसर चेंज करते ही हमारा पंखा एकदम सही हो गया, जो कि पहले बहुत स्लो था अब एकदम फास्ट चल रहा है। ये देखिए कंडेंसर बेसिकली क्या होता है, जो करंट सप्लाई होता है उसको कम ज़्यादा करता है, कम ज़्यादा के लिए मोटर को पूरा सपोर्ट करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो कि कंडेंसर फैन का स्लो फैन को फास्ट करने के लिए कंडेंसर कैसे चेंज करते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।